मध्य प्रदेश के मंदसौर में बैंक मैनेजर पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि आवेदक ने पुलिस को बताया कि मैनेजर उससे 40,000 रुपए की मांग कर रहा था, जिसके बाद बैंक मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वहीं दूसरी तरफ बैंक मैनेजर ने उन पर लगे रिश्वतखोरी के आरोपों को गलत बताया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देखो, इसमें क्या था कि जैसा कि मीडिया में आया, सोशल मीडिया में आया, तो उसमें कहा गया कि रंगे हाथों गिरफ्तार किए लेते हुए पकड़े गए। मैं मेरी ब्रांच में बैठा हुआ था और वो लड़का आया और आके उसने पेशकश की। मैंने जब उसको कहा, उसको क्लियर कहा मैंने कि भैया जो भी पैसा देना है वहाँ काउंटर पर जाके जमा करा दो। तो वो पहले तो इधर उधर की बातें करता रहा और फिर वो अचानक कहा, नहीं सर, मेरे को तो आपको ही देना है, ये पकड़ो, पैसे फेंक के मेरे टेबल पे खिसका के चला गया। उच्च कार्यालय ने मेरे को भेजा है जांच के लिए, मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ अभी। अभी कोई ऐसा कुछ तथ्य मिला नहीं। CCTV को कोई टेक्नीशियन को बुला के हमको खंगालवाना पड़ेगा, लेकिन सर अभी हम नहीं देख पा रहे हैं उसको ठीक से, है ना। टेक्निकल आदमी नहीं है, क्योंकि आज अवकाश है, मैं अर्जेंट इसलिए आया। वहीं इसी मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जांच अधिकारी, उपायुक्त जांच अधिकारी राजेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है, मंदसौर से मामला सामने आया है, बैंक मैनेजर पर रिश्वत के आरोप लग रहे हैं, क्या पूरा मामला है विस्तार से बताएं। जी, मामला ये है कि मंदसौर के भानपुरा कस्बे ग्राम संगारा का एक आवेदक है चंद्रशेखर नागर, उसके द्वारा 31 अगस्त को लोकायुक्त उज्जैन में शिकायत की थी कि संधारा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के संधारा के बैंक मैनेजर हनुमान प्रसाद बीरवा द्वारा उनके चाचा के KCC खाते से होल्ड हटाने और उनकी खाद बीज की दुकान की ओडी लिमिट बनाने के लिए 40,000 रुपए रिश्वत मांगे थे। शिकायत पर हमारे द्वारा रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की जाती है, तो जब हनुमान प्रसाद देरवा के द्वारा रिश्वत की स्पष्ट मांग आ गई थी, तो हमारे द्वारा 4 सितंबर को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके एक ट्रैप आयोजित किया था। उस डेट को हम आवेदक के साथ में संधारा जिला मंदसौर गए थे, वहां आवेदक उनसे रिश्वत के लिए मिला था, तो उनके द्वारा रिश्वत हाथ में ला लेकर टेबल पर रखवाई गई थी। टाइप की टीम के द्वारा उनको ट्रैप किया गया था और वैधानिक कार्रवाई उनके खिलाफ की गई थी। जी राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं हम आपको बता दें, मंदसौर का यह मामला है जहां पर बैंक मैनेजर पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। वहीं इस मामले में अभी जांच जारी है।